अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर 786। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? आज मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि सर्दियों में मनी प्लांट की केयर हम कैसे करें। अक्टूबर से मनी प्लांट के लिए सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है और सर्दी के मौसम में मनी प्लांट डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। डोरमेंसी का मतलब है कि पौधे के आराम करने का वक्त आ गया है। इस टाइम में पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, नए पत्ते नहीं निकलते हैं और जो पुराने पत्ते होते हैं वो भी पीले होके झड़ जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट भी हरा भरा रहे तो आपने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर शेड हो, यानी कि शेडी एरिया में रखना है। आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको अपना मनी प्लांट दिखाती हूँ, मैं नीचे से ही दिखाती हूँ। ये मेरा मनी प्लांट है, अक्टूबर का मिड चल रहा है और आप ये देखिए मेरे मनी प्लांट की ग्रोथ देखिए, ऊपर तक देखिए, ठीक है। इसके साथ ही मेरा दूसरा मनी प्लांट पड़ा हुआ है, ये भी बहुत ही बुशी है, इतना बुशी हो गया है कि अब इसकी जो बेलें हैं वो इकट्ठी होके फंसना शुरू हो गई हैं और ये भी ऊपर तक जा रहा है। इसके साथ ही पीछे भी एक मेरा मनी प्लांट पड़ा हुआ है, ये देखिए इसकी ग्रोथ देखिए, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं सारा आपको व्यू दे देती हूँ। बेसिकली ये जो कोकोनट खस्क है इससे मैंने ये पाइप्स बनाए थे और चिड़ियों ने अपने घर भी बनाने होते हैं तो वो वहाँ से यहाँ से एक एक करके ले जाती हैं और फिर ऊपर से सारा खाली कर देती हैं, बिल्कुल इसी तरह से। चलें कोई बात नहीं, उन्होंने भी अपने घर बनाने हैं। तो मैं कह रही थी कि आपने मनी प्लांट को सर्दियों में ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर शेड हो। आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, जैसे कि अपने कमरों में, लाउंज में, जहाँ पे शेड हो और हल्की लाइट आती हो, ठीक है। आपने इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पर थोड़ा बहुत शेड हो। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इसे यहाँ पर रखा हुआ है और ऊपर से इस तरह से शेड बना हुआ है, स्काई थोड़ा थोड़ा सा नज़र आता है, हल्की रोशनी आती है। हमने इस बात का ख्याल रखना है कि इसके पत्तों पे ये शबनम के कतरे ना गिरें, यानी कि ओस गिरने से इसके पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो वो हल्के हल्के पीले होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से पीले होंगे। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से ये पीले होंगे और फिर साथ ही अगर मेरे पौधे में कोई इस तरह का पत्ता है तो मैं आपको ये देखिए, पहले इस तरह से हल्के हल्के पीले होंगे और बाद में इस तरह से चिपक से जाएंगे, साथ ही उतरते नहीं हैं अपनी साथ ही टहनियों के चिपक से जाते हैं। तो हमने बस इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारे पत्तों पर शबनम या नीचे ओंस ना गिरे और हमारा पौधा हरा भरा रहेगा। और इस मौसम में आपने अपने मनी प्लांट के पौधे को खाद नहीं देनी है, हल्की सी रोशनी भी इस प्लांट के लिए काफ़ी होती है, ठीक है। अगर आप इसको रूम रख रहे हैं या लाउंज में रख रहे हैं या किसी ऐसी जगह रख रहे हैं जहाँ हल्की हल्की सी रोशनी आ रही है तो वो भी इस पौधे के लिए काफ़ी होगी। और हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि इसकी मिट्टी ड्राई ना हो, यानी कि बिल्कुल हल्की सी मिट्टी नरम हो, तो आपने इसके ऊपर पानी पे पानी नहीं दिए जाना। जब मिट्टी यानी कि सरफेस एरिया बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप इसको पानी दे दें और अगला पानी तब दें जब सरफेस एरिया ड्राई हो जाए, ठीक है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है और ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी। इस तरह से हमारे पौधे की जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों में ही हमारा पौधा ख़त्म हो जाएगा। जितने दिन भी मिट्टी में नमी है उतने दिन आपने पानी बिल्कुल नहीं देना, बस आपने इस बात का ख्याल लाजमी रखना है। और मार्च में आपके पौधे को दोबारा से इस पे पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे और आप चाहें जो अगर आपने ये पौधा उठा के इंडोर रख लिया तो आप मार्च के महीने में दोबारा से निकाल के इसको आउटडोर रख सकते हैं और इसको अच्छी सी हल्की हल्की धूप लगेगी, इसके नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे और इसकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप इसको इंडोर रख सकें या जगह की कमी है तो आप इसको आउटडोर ही रखें और आप ऐसा करें एक छोटा सा पॉली हाउस बना लें। और अगर आप पॉली हाउसेस भी नहीं बना सकते तो सिंपल एक प्लास्टिक लें और इस तरह से इसके इर्द गिर्द मनी प्लांट के लगा दें तो इस तरह से आपका पौधा हरा भरा रहेगा। आप देख सकते हैं अक्टूबर का मिड चल रहा है और मेरे तीनों मनी प्लांट के पौधे कितने हरे भरे हैं और इसमें कोई भी ज़्यादा पीले पत्ते नहीं आ रहे।
तो इसीलिए बस ये छोटी सी केयर है कि हमने इसको खाद नहीं देना, इसको पानी का ख्याल रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी देना है। अगर मिट्टी नरम है और गीली है तो हमने इसे पानी नहीं देना है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप अपनी इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।